जुलाई 2018 में गो तस्करी मामले में हुई रकबर की मौत के मामले पर परिजनों ने आज अलवर में पेशी पर पहुंचने से पूर्व डीजे कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश कर विचाराधीन न्यायालय एडीजे कोर्ट संख्या 1 से न्याय न मिलने की उम्मीद के चलते कोर्ट बदलने की मांग की है। डीजे कोर्ट ने इस मामले में 15 फरवरी की तारीख तय की है। रामगढ़ में 20 जुलाई 2018 में गो तस्करी मामले में हुई रकबर की मौत का मामला अलवर के एडीजे कोर्ट संख्या 1 में विचाराधीन है। आज अलवर पेशी पर आए मृतक की मां हबीबन व साक्षी असलम की तरफ से एडीजे कोर्ट से न्याय न मिलने की उम्मीद के चलते कोर्ट बदलने की गुहार डीजे कोर्ट में लगाई है। डीजे कोर्ट ने इस संदर्भ में 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। गौरतलब है कि एडीजे कोर्ट में इससे पूर्व पहलू खान मामले में भी आए फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अब रामगढ़ के ललावंडी गांव में तथाकथित गोरक्षकों द्वारा पिटाई किए जाने के बाद पुलिस कस्टडी में हरियाणा के कोल गांव निवासी अकबर उर्फ रकौर की मौत हो गई थी। यह मामला भी एडीजे कोर्ट संख्या 1 में विचाराधीन है। इस संदर्भ में धर्मेंद्र, परमजीत, नरेश व विजय के खिलाफ मामला चल रहा है। देखिए, ये प्रकरण अब लास्ट स्टेज पर है और मृतक की मां हबीबन और घटना का जो चश्मदीद साक्षी है असलम, उन दोनों ने डीजे साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन इस आशय की लगाई है कि वो जिस न्यायालय में मुकदमा उनका चल रहा है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से जो है वो अपना निर्णय कराना नहीं चाहते हैं जी। पिछले दिनों पहलू खान का मामला भी शायद वहीं फैसला आया था, ऐसी कोई संशय इस वजह से ऐसा कुछ लगा हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम लोग कानून की लड़ाई लड़ते हैं, निर्णय की लड़ाई लड़ने का हमारा काम नहीं है। उन्होंने किस आधार पर एप्लीकेशन लगाई है, उनकी शंकाएं निर्मूल हैं या उनमें कुछ सत्यता है, ये तो वही बेहतर जानते हैं जी। मुझे तो इसमें स्पेशल पीपी नियुक्त किया हुआ है और मेरे द्वारा जो है अपने अभियोजन जो साक्षीगण हैं उनकी साक्ष्य लेखबद्ध करा दी गई है और उसके बाद आज प्ली ऑफ एक्यूज जिसे बयान मुलजिम कहते हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिया गया है और फाइनल आर्गूमेंट के लिए 15 तारीख जो है फरवरी की नियत कर दी गई है कोर्ट द्वारा जी। थैंक यू।